इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुकाबला हो रहा है, जो कि मैं कल अपनी ट्विटर फीड पे भी देख रही थी, दैट वाज द फैंस ऑफ मेसी चीयरिंग एंड टीजिंग द फैंस ऑफ रोनाल्डो. सो ये तो एक कॉमन फैक्टर है बहुत ज्यादा, जो लड़ाई झगड़ा जो होता है. आई थिंक एक ही स्टैट है जो दोनों को बिल्कुल अलग कर देगा, रोनाल्डो और मेसी के फैंस को, वो ये है अगर हम वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, रोनाल्डो हैज नेवर स्कोर्ड इन अ नॉकआउट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप. मेसी ने इस दफा सारे नॉकआउट मैचेस में स्कोर कर लिया है. और एक और अगर हम टीम के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो अर्जेंटीना नीड्स मेसी. कल की परफॉर्मेंस की हम बात कर लें, उससे पहले जाएं, उससे गोल एंड देन दैट असिस्ट दैट ही डिड, ओह दैट वाज अमेजिंग. रोनाल्डो जो है पिछले दो मैचेस में बेंच से उठ के पोर्टुगल के लिए आए थे, तो आई थिंक वो डिबेट अब प्रीटी मच रेस्ट हो चुकी है. आई थिंक ये डिबेट अब कम से कम जो है ना वो काफी हद तक खत्म हो गई. और आई मीन व्हाटएवर अल्टीमेट हैपेंड, बट रोनाल्डो रिमेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. आई मीन फॉरगेट द सेंचुरी, बट ग्रेटेस्ट प्लेयर तो है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की शादी थी और उनके कुछ फॉरेन दोस्त यहाँ पे आए थे, उसमें कुछ पोर्चुगीज लोग भी थे, और उनसे यही बात हो रही थी, और तमाम के तमाम वो यही कह रहे थे कि हमारे कंट्री में सर एक स्प्रिट चल रहा है, जो पोर्चुगीज फुटबॉल फैंस हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो कह रही है वी डोंट नीड हिम एंड व्हाटएवर, जिन्होंने 2010 के बाद जो है देखना शुरू किया. और जो थोड़े से बड़े हैं वो ये कह रहे हैं इज बिकॉज ऑफ रोनाल्डो कि हमने जो है 2006 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, 2010 में, 2008 के यूरोज में, क्योंकि पोर्चुगल जो है काफी इंटरनेशनल लैंडस्केप से फुटबॉलिंग जो यूरोपियन जायंट्स हैं वो नहीं, काफी साल नहीं रहा था 80s के बाद. तो रोनाल्डो वाज द पर्सन हु ब्रॉट देम बैक, इस पूरी जनरेशन जो अब इनकी गोल्डन जनरेशन बन चुकी है तकरीबन, उनको जो है रोनाल्डो अपने कंधों पे यहाँ तक लाए. And they've lived that, they've watched that, they've seen the prime of Ronaldo. ये जो नए लड़के, नए बच्चे हैं, obviously they've not seen that. मैं वैसे सोचता हूँ कि अगर रोनाल्डो, लुइस फिगो वगैरह उस जनरेशन के साथ ज्यादा टाइम अगर उसने स्पेंड, क्योंकि उनके करियर का वो जो गोल्डन जनरेशन, वो जो यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप जीते थे, उनका आखिर का टाइम था रोनाल्डो, अगर ये साथ खेलते तो बात और होती. लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया, आपको पता है, क्योंकि आई थिंक मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज शायद मैं, अल्तमश और सवेरा टू सम एक्सटेंट फुटबॉल काफी फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें, उनको दो खिलाड़ियों के नाम पता है, एक मेसी है और एक रोनाल्डो है, दोनों अब रिटायर हो रहे हैं, अब नए प्लेयर्स पकड़ने पड़ेंगे. अब कौन से प्लेयर्स पकड़ के लाएंगे, क्या दुनिया में इस लेवल के प्लेयर्स हैं? मैं ऑनेस्टली मैं इस बारे में ऐसा नहीं है, वैसे नीमार को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं यही सोचा था कि नीमार का भी अब वी डोंट नो क्या अगले वर्ल्ड कप तक नीमार हमें नजर आता है या नहीं नजर आता, लेकिन वाकई कुछ नए जो है ना वो हमें देखना पड़ेंगे.